हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल पर लाया हूँ एक नया वीडियो, और यह वीडियो पतंजलि प्रोडक्ट पर है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल के बारे में, पतंजलि अश्वगंधा कैप्सूल के बारे में और पतंजलि शिला कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, ये तीनों कैप्सूल बहुत फ़ायदेमंद हैं, और ये कब लेने होते हैं, कैसे लेने होते हैं, किस टाइम लेने होते हैं, और इसे कौन कौन लोग ले सकते हैं जानेंगे इस वीडियो से, और आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। दोस्तों, आप ये शिलाजीत देख रहे हैं, ये अश्वगंधा और ये अश्वशिला। मैं आपको बता दूं, ये दोनों सेपरेट, ये दोनों अलग अलग कैप्सूल हैं, और इन दोनों को मिलकर ये अश्वशिला कैप्सूल बनाया गया है। इसमें शिलाजीत अश्वगंधा दोनों होते हैं, और उनको मिलकर ये एक बना, इसलिए इसे अश्वशिला नाम दिया गया है। और हम जानेंगे शिलाजीत हम कब कैसे ले सकते हैं, और कौन लोग ले सकते हैं, और अश्वगंधा कब कैसे किस टाइम लिया जाता है, और अश्वशिला के बारे में। दोस्तों, शिलाजीत हमें शक्ति देता है और बहुत ज़्यादा स्टेमिना देता है, और ये यौन दुर्बलता में भी काम आता है, बात रोग में और जोड़ों के दर्द, गठिया रोगों में, कफ रोग में, अस्थमा और एलर्जी में भी ये काम आता है, धातु रोग, मूत्र रोग, हड्डियों की दुर्बलता में और डायबिटीज़ में भी ये हमें काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और दोस्तों, शिलाजीत का आपको यूज करना है खाना खाने के बाद सुबह शाम एक एक कैप्सूल, या आप दिन में एक कैप्सूल भी ले सकते हैं, काफ़ी है। लेकिन शिलाजीत को दोस्तों बीपी वाले पेशेंट ना लें, क्योंकि ये शिलाजीत काफ़ी गर्म होता है, इसलिए बीपी वाले पेशेंट को शिलाजीत का सेवन नहीं करना है। और अश्वगंधा थकान, तनाव, सामान्य दुर्बलता को ठीक करता है, और हमें ताकत देता है, और हमारा वेट गेन भी करता है। अश्वगंधा अगर हम पाउडर यूज करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और वो हमारा वेट गेन भी करता है, और हमारी हाइट को भी बढ़ाता है, इसलिए अश्वगंधा काफ़ी अच्छा है। और इसे बीपी वाले पेशेंट भी आसानी से ले सकते हैं, इसे बच्चे, बूढ़े, स्त्री पुरुष सब ले सकते हैं। और दोस्तों, ये अश्वशिला जो कि अश्वगंधा और शिलाजीत से मिलकर बना है, ये हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदेमंद करता है, इसे जानेंगे हम। दोस्तों, यह अश्वशिला कैप्सूल हमारे शरीर को ताकत देता है, और थकान, तनाव और यौन दुर्बलता, अस्थमा, एलर्जी, जोड़ों का दर्द भी कम करता है, डायबिटीज़ में भी आराम देता है, धातु रोग और मूत्र रोग, शारीरिक दुर्बलता, अत्यंत इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, और इसे स्त्री पुरुष सब ले सकते हैं। और इससे जो भी प्रॉब्लम, हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द, आलस आना, ये बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, और हमारे शरीर को अच्छा रखता है। तो दोस्तों, तीनों कैप्सूल यहाँ पर आप देख रहे हैं, शिलाजीत, अश्वगंधा और अश्वशिला। दोस्तों, ये सारे कैप्सूल जो आपको खाना खाने के बाद यूज करना है, और अश्वगंधा को बच्चे, बूढ़े सब लोग ले सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी का भी, ना इसका। लेकिन शिलाजीत को बीपी वाले पेशेंट ना लें, और बीपी वाले पेशेंट अश्वगंधा को ले सकते हैं, और आप इनको खाएं, आपको जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। काफ़ी लोग, बुजुर्ग पेशेंट होते हैं जो जिनके जोड़ों में दर्द होता है, वो शिलाजीत का यूज कर सकते हैं, अश्वशिला भी खा सकते हैं, और अश्वगंधा भी। ये काफ़ी ताकतवर कैप्सूल होते हैं, और अच्छे कैप्सूल हैं, और इनका रिजल्ट भी अच्छा होता है। आप खाकर देखिए, और आपको फ़ायदा होगा, या आपको पतंजलि स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे।